हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। मिसलेनियस टॉपिक्स में हम वो कवर करेंगे जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो डेली बेसिस पे आते हैं या एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम धीरे धीरे करके साइड बाय साइड अपने मेन सब्जेक्ट्स के साथ कवर करते जाएंगे, ताकि आप उन्हें भी रिवाइज करते रहो। क्योंकि 40% अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, 40 या 40 से भी ज़्यादा ही आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज से हम एक एक करके, एक एक दो दो टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स लेना साथ साइड बाय साइड उस मेंस के, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लेंगे वो है स्कीम्स। अब स्कीम्स वैसे बहुत सारी हैं, मतलब करते करते आप कितना टाइम लगे आपको नहीं पता। तो सबसे पहले हमने ऐसे कैटेगराइज किया कि पहले वो स्कीम लेंगे जो इस बजट में, मतलब जो 2018-19 का बजट है उनमें आई है। उसके बाद धीरे धीरे जो भी लगेगा कि आगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं या अभी अपडेटेड हुए हैं या उनमें रिसेंटली कोई चेंजेस आए हैं, इम्पॉर्टेंट चेंज आया है, तो उसके हिसाब से हम वो भी लेंगे। क्योंकि एग्जाम में हर स्कीम नहीं पूछी जाती, ये तो आपको भी पता है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे और उन्हीं स्कीम्स को पढ़ेंगे जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्कीम्स वही होंगी जो अभी नई नई आई हैं 2018-19 के बजट में। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है उससे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स निकल आते हैं, जो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्कीम्स अनाउंस्ड इन बजट 2018-19, ठीक है। स्कीम्स बजट 2018-19, ठीक है। सबसे पहली स्कीम है नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम। कौन सी? नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम, ये 2018-19 के बजट में सबसे पहले आई थी। इसको आयुष्मान भारत स्कीम भी बोले जाते हैं, ऑल्सो नोन एज आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। इसे आयुष्मान भारत स्कीम भी बोला जाता है। ये क्या करेगी? इट विल कवर 10 करोड़ पीपल ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। पुअर का तो मतलब पता है, हो गया कि गरीब। वल्नरेबल कौन होते हैं? एक पुअर होते हैं, एक वल्नरेबल होते हैं। उनका मतलब ये होता है कि जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, या अपनी हेल्थ, अगर उनकी तबीयत खराब है या उन्हें कोई बीमारी हुई है तो वो जाके डॉक्टर्स को दिखा सके, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से दिखाएंगे। एट लास्ट क्या होता है, या तो वो सफ़र करते करते बहुत ही सीवियर बीमारी हो जाती है और कुछ भी नहीं बचता उसके बाद। तो इसीलिए क्या कवर करेंगे, 10 करोड़ लोगों को कवर करेंगे जो कि पुअर है और वल्नरेबल है, मतलब जो जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो बिल्कुल बेबस है कि वो डॉक्टर को या हॉस्पिटल में जाके अपनी तबीयत को दिखा सके, ठीक है। इट विल कवर 10 करोड़ ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है, क्या कवर करेगा? 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को ये कवर करेगा, और ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देगा हर फैमिली को हर साल इन सेकेंडरी एंड टर्शरी इंस्टीट्यूशंस। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इट विल गिव अप टू रुपीज 5 लाख ऑफ इंश्योरेंस कवर
टू ऑल दी फैमिलीज, टू ऑल दी पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं फैमिलीज, ठीक है, इट विल गिव टू रुपीज 5 लाख ऑफ इंश्योरेंस कवर टू ऑल दी फैमिलीज इन दी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंस्टीट्यूशंस। अब सेकेंडरी और 5 लाख का ये इंश्योरेंस कवर सारी फैमिली को हर साल देगा, कवर ऑल फैमिलीज एवरी ईयर। आप और लिख लो यहाँ पर, प्लीज एवरी ईयर इन दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देगा सारी फैमिलीज को जो कि पुअर और वल्नरेबल है, ठीक है, हर साल सेकेंडरी और टर्शरी इंस्टीट्यूशंस में। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ब्लॉक लेवल पे जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक है, जिसमें किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को कि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेफर किया जाता है उसके लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, ठीक है। टर्शरी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, एग्जांपल मेडिकल कॉलेजेस, जो कि हर जो भी गवर्नमेंट होता है मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देगा। और इसके 50 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे, मतलब जो ट्रस्टीज होते हैं उन्हें बेनिफिशरीज बोलते हैं। इट विल हैव 50 करोड़ बेनिफिशरीज, इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम स्कीम, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर प्रोग्राम स्कीम होगी। इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम स्कीम, ठीक है, तो इसे हम नोट डाउन कर लो, नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम, ठीक है, नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम भी बोला जाता है इसे, ठीक है, अनदर नेम ऑफ नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम। कितने लोगों को कवर करेगा ये, 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, नॉट नॉर्मल फैमिलीज, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। कितने लाख का इंश्योरेंस कवर देगा ये, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर देगा, हर साल देगा, सेकेंडरी और टर्शरी इंस्टीट्यूशन से देगा, ठीक है, कितने बेनिफिशरीज होंगे इसके, ये सब एग्जाम पॉइंट से ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ग्रीन से, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन का जो मेन आइडिया था वो ये था कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम जो है, जो फार्मर्स की कमाई होती है उसे डबल कर दें और उन्हें हेल्प करें, फार्मर्स को हेल्प करें, और जो प्राइसेस हैं टोमेटो अनियन और प्राइस के, उन्हें उनके उनमें जो फ्लक्चुएशंस है, जो बढ़ते घटते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस मतलब बढ़ना घटना, तो वो उसको फिक्स कर दें या कम कर दें, ठीक है। और क्या इसे प्राइस फिक्सेशन स्कीम भी इसीलिए बोला गया, ये बेसिकली फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए या फार्मर्स प्रोड्यूस को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी, ठीक है।
ऑपरेशन ग्रीन, सेकेंड इज ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। सबसे पहले इसका आइडिया लिख लेते हैं। आइडिया वॉज टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। इनकम डबल कर देने के लिए, फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए, ठीक है। इट इज बेसिकली अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम, प्राइस फिक्सेशन स्कीम विच विल हेल्प फार्मर्स टू गेट राइट प्राइस, मतलब सही दाम मिले उनके प्रोड्यूस का, राइट प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस। ये फार्मर्स को हेल्प करेगी किस लिए, ताकि उन्हें सही प्राइस मिले जिस चीज का वो, जो चीज वो उगा रहे हैं और वो बेच रहे हैं उसका उन्हें सही दाम मिले, इसलिए ये इसको प्राइस फिक्सेशन स्कीम भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या करेगी ये, इट विल हेल्प फार्मर्स एंड ऑल्सो, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, इट विल एड फार्मर्स, एड मतलब भी उन्हें सहायता पहुंचाना होता है, विल एड फार्मर्स एंड हेल्प टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस in the prices of tomato, onion and potatoes। ये तो daily use में आने वाली सब्जियां हैं, ठीक है। इसे याद करने के लिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, top tomato onion and पोटैटोज। इसके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे हम सब जानते हैं डे टू डे बेसिस पे, कि कभी बढ़ जाता है अचानक से, कभी बहुत कम हो जाता है, तो इनके प्राइस को फिक्स करने के, ठीक है। इट विल ऑल्सो प्रमोट फार्मर प्रोड्यूस organizations ठीक है, agro logistics etc और and last point was ये 500, मतलब जो इसमें फंडिंग की गई थी वो 500 करोड़ की थी गई की गई थी, और ये जो स्टार्ट की गई थी ये कौन सा देखा देखिए स्टार्ट किया गया था, ये ऑपरेशन फ्लड के लाइंस पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लॉन्च्ड विद द फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़, ठीक है, एंड ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड, यही लिख देते, ऊपर ही लिख देते, launched on the lines of operation flood, ठीक। आइडिया क्या था, इनकम डबल करना फार्मर की 2022 तक, इसे प्राइस फिक्सेशन स्कीम भी बोला गया, ठीक है, डबल द फार्मर इनकम बाय 2022, प्राइस फिक्सेशन स्कीम, ठीक है, जिसे फार्मर्स को राइट प्राइस मिले,
इट विल हेल्प टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द इन द प्राइसेस ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी सब्जियों की फ्लक्चुएशन को ये प्रिवेंट करने के लिए ये स्कीम थी. टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोस. इट विल ऑल्सो प्रमोट फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लॉन्च विद द फंड ऑफ, कितने फंड के सर ये स्टार्ट हुआ था? 500 करोड़ के. ठीक है, और किसके, कौन सी स्कीम के उस पर शुरू हुआ था? ये ऑपरेशन फ्लड की स्कीम पे शुरू हुआ था. तो इसे भी अब आप लिख लो. नेक्स्ट जो स्कीम है वो है एकलव्य स्कूल्स. ठीक है, तो स्कीम से स्टार्ट करते हैं. Third is Eklavya Navya Schools. ठीक है, ये क्या था? ये नवोदय स्कूल्स के लाइन पे खोला गया. जैसे ऑपरेशन ग्रीन जो थी इसकी, ऑपरेशन फ्लड्स से इंस्पायर होके बनाई गई, तो ये एकलव्य स्कूल्स नवोदय स्कूल्स के इंस्पायर होके बनाया गया. ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था? ये एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है. एक्चुअली ये बनाया जा रहा है, ये कब तक, इसका टारगेट टाइम ईयर है 2022. ठीक है, तो लॉन्च्ड ऑन द लाइंस ऑफ नवोदय by 2022. ये इसका टारगेट ईयर है, अभी तक का टारगेट ईयर. ठीक है, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच residential block where more than 50% of area is under tribal area and more than 20,000 people are tribal people. ठीक है, मतलब उन जगहों पे खोला जाएगा, उन रेजिडेंशियल ब्लॉक पे खोला जाएगा जहाँ पे 50% से ज्यादा ट्राइबल एरिया है और 20,000 से ज्यादा जो लोग वहां रह रहे हैं वो ट्राइबल पीपल है, मतलब आदिवासी जिन्हें कहते हैं वो. इसीलिए ये एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए खोला जा रहा है. इसका टारगेट ईयर 2022 है. इट विल प्रोवाइड, ये प्रोवाइड क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रिजर्व, इट विल ऑल्सो प्रिजर्व लोकल आर्ट एंड कल्चर. प्रिजर्व लोकल आर्ट एंड कल्चर का मतलब
कि जो ट्राइबल्स की लोकल आर्ट होती है, जो उनका कल्चर होता है, ये उसे भी मतलब अब पढ़ा लिखा कर उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि उसे छोड़ दो या वो मत करो, अच्छा नहीं है. इट विल ऑल्सो प्रिजर्व देयर लोकल आर्ट एंड कल्चर, ताकि वो भी आगे उसे बढ़ाएं. ठीक है, तो इसलिए दे विल प्रिजर्व लोकल आर्ट एंड कल्चर. ट्रेनिंग देंगे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कराएंगे, मतलब स्पोर्ट्स सिखाएंगे, कोई भी खेल कूद की चीजें सिखाएंगे, हर एक प्रोडक्टिव चीज सिखाएंगे, ताकि वो आगे अपना फ्यूचर अच्छा बना सके, बेटर कर सके, और आगे मतलब उस चीज से उनको फायदा हो. ठीक है, कौन सी स्कूल के लाइन्स पे खोला गया? ये नवोदय स्कूल के लाइन्स पे खोला गया. किसके लिए? एससी और एससी स्टूडेंट्स के लिए. इनका अब तक का टारगेट ये क्या है, 2022 है, कब एस्टैब्लिश इन रेसिडेंशियल ब्लॉक में 50% ऑफ एरिया अंडर ट्राइबल एरिया, और 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो ट्राइबल लोग हैं, मतलब आदिवासी हैं. और क्या होगा, इट विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, प्रिजर्व लोकल आर्ट एंड कल्चर. ठीक है, तो इसे भी लिख लो आप. नेक्स्ट जो स्कीम है वो है राइज स्कीम. राइज स्कीम मतलब रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन स्कीम. ठीक है, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, एजुकेशन स्कीम. अब इस स्कीम का बेसिक एम क्या है कि लो कॉस्ट फंड देना टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. जो भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, या इंस्टीट्यूशंस कह लो आप उन्हें, या यूनिवर्सिटी कह लो उन्हें, उनको लो कॉस्ट फंड्स देना. ठीक है, इसके लिए ये स्कीम स्टार्ट करी है. क्या एम, टू लेंड लो कॉस्ट, लेंड लो कॉस्ट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम. ये जो स्कीम है वो अगले 4 साल में लॉन्च करी जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट होगा इस स्कीम पर वो होगा 1,00,000 करोड़ का. ठीक है, it will be launched with an investment of rupees 1,00,000 crore in the next 4 years. In the next 4 years. ठीक है, और इसे फाइनेंस कौन करेगा? इट विल बी फाइनेंस्ड बाय, इट विल बी फाइनेंस्ड बाय restructured higher education
फाइनेंसिंग, एजेंसी, हीपा, से हीपा भी बोलते हैं, HEFA, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, क्या है ये हीपा, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये हीपा, ठीक है। तो क्या है ये राइस स्कीम, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म है राइस का। इसका एम क्या है, लो कॉस्ट फंड देना, क्यों लो कॉस्ट फंड, किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन सॉरी सिस्टम या फिर इंस्टीट्यूशन, लिख लो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लॉन्च विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,00,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब अगले आने वाले 4 साल में ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,00,000 करोड़ का होगा, ठीक। फाइनेंस कौन करेगा, हीपा करेगा, रीस्ट्रक्चर्ड हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ये है क्या, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसे लिख लो आप लोग। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अब इसमें क्या होगा, ये प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, एक कटिंग एज देने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, किसमें, इंडिया में, जब इंडिया में कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, या कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और प्रमोट करने के लिए कैसे किया गया, इट दे विल पे अ हायर लेवल ऑफ अमाउंट टू 1000 बीटेक स्टूडेंट्स टू डू और परस्यू एमटेक सॉरी पीएचडी इन आईआईटी एंड आईआईएससी, मतलब 1000 बीटेक स्टूडेंट्स को ये हायर अमाउंट देंगे अगर ये लोग पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएससी में आते हैं एडमिट या एडमिशन लेते हैं, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, दे विल प्रोवाइड और प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इससे क्या होगा कि जो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं सारे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उससे अच्छी ग्लोबल रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, इसका एम क्या है, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग कटिंग एज टू रिसर्च and development and promote them by providing high amount to 1000 BTech students to pursue, sorry, for pursuing PhD in
IITs and IISc, ठीक है? और this will help in promoting research and development in India and will also give institutions of India a better global ranking, a better global ranking, ठीक है? क्या करेगा? ये रिसर्च डेवलपमेंट को इंडिया में प्रमोट करेगा और जो भी इंस्टीट्यूशन है लाइक IITs, IISc, इन्हें बेटर ग्लोबल रैंकिंग मतलब वर्ल्ड में एक अच्छी रैंक में मतलब जितने भी वर्ल्ड में अच्छे इंस्टीट्यूट है उसमें एक अच्छी रैंक लाने में मदद करेगा. कैसे करेगा? इट विल प्रोवाइड High amount to 1000 BTEC students. 1000 BTEC students को ये ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा amount देंगे to pursue PhD in IIT and IISc. PhD कब करते हैं? पहले BTEC करते हैं, M.Tech करते हैं, फिर PhD करते हैं. PhD is a doctorate program for engineering students. PhD मतलब अब किसी भी field में कर सकते हैं. Engineering में भी होती है, और भी fields में भी होती है. तो ये जो बीटेक स्टूडेंट्स को स्पेशली वो लोग अपने ही सब्जेक्ट में आगे करते हैं इसलिए पीएचडी इन आईआईटीज एंड आईएससीज, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, अब इसे आप लिख लो. नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरमैन एंड कैटल ओनर्स, ठीक है? किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरमैन एंड कैटल ओनर्स, ठीक है? ये है. अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है? ये फिशरमैन और कैटल ओनर्स के लिए है. इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इन्हें लोन मिलने में इजी हो जाएगा, ठीक है? और क्या होगा कि जो भी गांव में रूरल एरियाज में जो मिल्क प्रोडक्शन से या मिल्क प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो पीपल एसोसिएटेड हैं उससे, और जो फिशरमैन्स हैं फिशरीज से जुड़े हुए हैं मतलब मछली पकड़ने वाले बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इस स्कीम के थ्रू, ठीक है? तो इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल फिशरमैन एंड कैटल ओनर्स, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम with the help of this scheme people these people will get लोन मिल पाएगा, ठीक है?
और क्या था, इट विल हेल्प पीपल एसोसिएटेड पीपल एसोसिएटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन बिजनेस, मिल्क प्रोडक्शन बिजनेस इन ऑर्डर टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ऑल्सो ऑर्डर गेट नेचुरल एंड ऑल्सो टू फिशरीज, मतलब फिशरमैन और कैटल ओनर्स दोनों को फायदा होगा फिशरीज, ठीक है. इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल फिशरमैन एंड कैटल ओनर्स और दिस स्कीम विल हेल्प पीपल टू गेट इजी लोन. तो इसको फिशरमैन और कैटल ओनर्स जैसे लोगों को और जो भी पीपल, जो भी ये लोग मिल्क प्रोडक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिशरीज से जुड़े हुए हैं, मतलब मछली पकड़ने वाले बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है. तो इसे भी अब आप लिख लो. नेक्स्ट इज अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ठीक है. ठीक है, ये किसके अंदर क्रिएट की गई, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर, क्रिएटेड अंडर NHB, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है. नेशनल हाउसिंग बैंक फंडेड बाय पहला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल. सेकेंड है, पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, दूसरा है फुल्ली सर्विस्ड बॉन्ड्स ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल्ली सर्विस बॉन्ड्स ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. और क्या करेगा ये, इट विल हेल्प टू कंस्ट्रक्ट, वन करोड़ हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है. इसका बेसिक काम क्या है, ये एक करोड़ हाउसहोल्ड्स मतलब घर बनाएगा रूरल एरियाज में, किसके अंदर,
अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये 1 करोड़ हाउस होल्ड बनाएगा गांव में, मतलब रूरल एरियाज में। इसको फंड कहाँ से मिलेगा? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो शॉर्टफॉल आता है उससे इसे फंड मिलेगा, और फुल्ली सर्विस बॉन्ड्स जो कौन ऑथराइज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा। और क्रिएट इसे कौन करेगा? ये क्रेडिट किसके अंदर क्रिएट किया गया? NHB के, मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर ये स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्रिएट की गई, मतलब बनाई गई। ठीक है, अब आप इसे देखें। नेक्स्ट स्कीम इज गोबरधन योजना। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम ही बोला जाता है इसे, ऑल्सो नोन एज गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम। इसका एम क्या है? टू चेंज द लाइफ ऑफ विलेजेस, मतलब गांव वालों की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दे, लाइफ ऑफ विलेजेस। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? इसकी कुछ कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है। इट विल कन्वर्ट ऑल द डंग्स सॉलिड वेस्ट इनटू बायो गैस और बायो CNG। ठीक है, क्या करेगा? जितना भी वेस्ट है, किसी भी फॉर्म का सॉलिड वेस्ट, डंग्स, ये सब बायोगैस और या CNG में कन्वर्ट कर देगा। इससे अब इनकी लाइफ तो ऑब्वियसली सुधर जाएगी, मतलब जितना भी वेस्ट है वो सब डिकम्पोज हो जाएगा और गैस बन जाएगी, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है और ये वो फिर से यूज भी कर सकते हैं, रिसाइकलेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये गांव वालों की लाइफ भी चेंज कर सकता है। तो आप इसे लिख लो अच्छे से। अब नेक्स्ट इज नेशनल बैम्बू मिशन, 9th स्कीम। National Bamboo Mission, ठीक है। अब ये किसे हेल्प करेगी? ये हेल्प करेगी रूरल पीपल को या ट्राइबल पीपल को? कैसे हेल्प करेगी वो भी देखते हैं। इट विल हेल्प people of rural and tribal area, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेगी? 1290 करोड़ इस स्कीम में अलॉट किए गए हैं, रुपीज 1290 करोड़ विल बी अलॉटेड और एलोकेटेड इन दिस
ई क्यू टू और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू एज ए इंडस्ट्री इन आर कंट्री. क्यों किया जाएगा? बैम्बू के डेवलपमेंट में, मतलब बैम्बू इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाने में या बनाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई और कितने 1290 करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किए जाएंगे. और ये किसे हेल्प करेगा? ये रूरल एंड ट्राइबल एरियाज के लोगों को हेल्प करेगा. ठीक है, तो अब आप इसे भी लिख लो. अब यहाँ से स्कीम्स तो सारी हो गई जितनी भी बजट 2018-19 में अनाउंस करी गई थी. ठीक है, 9 स्कीम्स थी, हमने उन्हें अच्छे से पढ़ लिया. मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था उन स्कीम्स में. अब इनके अच्छे से नोट्स बना के आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो. आगे जो भी स्कीम मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको देती रहूँगी. पर हर स्कीम पढ़ने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है. उतनी स्कीम्स पर फोकस करो जितने आपको लग रहा है इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आप हर स्कीम को नहीं याद रख सकते उस टाइम पे. ठीक है, तो हैव अ स्मार्ट स्टडी ओवर इट. नेक्स्ट, एक और टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, इंडिया की रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. डिफरेंट इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग क्या आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज करी गई है. ठीक है, उसके लिए वील ड्रॉ टेबल बनाएंगे. रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले वो इंडेक्स आएगा. फिर किसने रिलीज किया वो आएगा. इंडिया की रैंक आएगी, इंडिया रैंक. फिर फर्स्ट रैंक किसकी है उस इंडेक्स में वो, और लोएस्ट रैंक किसकी है उस इंडेक्स में. ठीक है, तो आप लोग भी एक ऐसी टेबल बना लेना. स्टार्ट करते हैं, पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दिया किसने? अमेरिकन थिंक टैंक ने दिया. अमेरिकन थिंक टैंक ने ये दिया. किसने? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दिया किसने? अमेरिकन थिंक टैंक ने. इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 130. ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी थी इसमें? हांगकांग की. हांगकांग. और लोएस्ट रैंक किसकी थी? नॉर्थ कोरिया की. नॉर्थ कोरिया की. ठीक है, अब है नेक्स्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस
एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 ये किसने दिया? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे रिलीज किया। ठीक है, इंडिया की कितनी रैंक है इसमें? 177। ठीक, कितनी है? 177। फर्स्ट रैंक मिली इसमें स्विट्जरलैंड को और लोएस्ट बुरुंडी को। ठीक, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड को, लोएस्ट बुरुंडी को। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें किसने ये दिया? इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये दिया किसने? अडीको इंस्टीट्यूट, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, इंडिया की कितनी रैंक है इसमें? 81। इसमें भी पहली रैंक स्विट्जरलैंड को मिली। ठीक, और लोएस्ट रैंक एल सर्वदौर। ठीक है, अब इतना लिख लो, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, इसे दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की रैंक है इसमें 81st, पहली रैंक है इसमें न्यूजीलैंड की। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ये किसने दिया? EIC, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIC नॉर्मल इंटेलिजेंस यूनिट 47th रैंक आई इसमें इंडिया की। फर्स्ट रैंक आई इसमें स्वीडन की और लास्ट कॉन्गो की। ठीक है, के बाद था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये किसने लिया? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, US चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स ने। इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई? 44। फर्स्ट रैंक थी इसमें यूएसए की और लास्ट थी वेनेजुएला की। ठीक था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसके बाद था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। ठीक है, इसने रिलीज किया ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक, रैंक है इंडिया की 133rd रैंक। टॉप रैंक किसकी थी? फिनलैंड की, और लोएस्ट बुरुंडी की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018। ठीक है, नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया किसने इसे? वर्ल्ड बैंक है। ठीक, रैंक कितनी है इंडिया की? 100। फर्स्ट रैंक किसकी थी इसमें? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड और लास्ट सोमालिया। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक 100th रैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड, लोएस्ट रैंक सोमालिया। उसके बाद है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2018, ये किसने दिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ने दिया। इसमें इंडिया की रैंक थी 33rd। पहली थी जापान की, राष्ट्रीय नाइजीरिया की। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। लास्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया। इंडिया की रैंक थी 62nd और पहली रैंक थी नॉर्वे की। ठीक है, और लोएस्ट रैंक में नहीं दी गई। तो ये था रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जो 2018 में रिलीज हुए, रिलीज इन 2018। इसकी भी आप टेबल बना लो अच्छे से। तो आज हमने स्कीम्स देखी कौन सी जो कि बजट 2018-19 में रिलीज हुई थी, और रैंकिंग देखी इंडिया की जो कि इन सारी इंस्टीट्यूशन से रिलीज किया था 2018 में। इंडिया कहाँ पे आया, सबसे पहली रैंक कौन सी कंट्री को मिली, और सबसे आखिरी रैंक कौन सी कंट्री को मिली। तो आज के मिसलेनियस टॉपिक्स में हमने दो टॉपिक कवर किए, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।